स्टूडेंट टुडेज एज स्टार्ट्स न्यू टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस इज दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टूडेंट्स बी केयरफुल एंड रिक्वेस्टेड पॉइंट स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन्स प्रेस स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड्स राइट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस टॉपिक इज अ कलेक्टेड एंड सीआईटी बुक अकॉर्डिंग्स स्टूडेंट्स प्लीज टू सी ऑन बोर्ड्स एंड सॉर्ट द टॉपिक्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स ग्रुप 17 रिएक्ट टू मेटल टू फॉर्म ऑफ द मेटल हैलाइड्स ओके हैलोजन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि ग्रुप 17 के एलिमेंटों को हैलोजन फैमिली के मेंबर कहते हैं हैलोजन फैमिली बोलते हैं तो हैलोजन रिएक्ट टू मेटल टू फॉर्म ऑफ द मेटल हैलाइड्स ओके फॉर एग्जाम्पल ब्रोमिन रिएक्ट टू मैग्नीशियम टू फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स Mg react to Br to form of the MgBr2 ओके क्लियर हो गया नो डाउट्स नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट टू क्लोरिन टू फॉर्म ऑफ द सोडियम क्लोराइड्स नेक्स्ट पॉइंट पोटेशियम रिएक्ट टू आयोडीन टू फॉर्म ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड्स नेक्स्ट पोटेशियम रिएक्ट टू ब्रोमीन टू फॉर्म ऑफ द पोटेशियम ब्रोमाइड्स स्टूडेंट्स दिस टॉपिक एज ए क्लियर नो डाउट एंड The ionic characters of the halide decrease in the orders. Ionic characters जो होता है atomic number के बढ़ने के साथ साथ उनकी जो है उनकी reactivity जो है क्रमशः जो है decrease करता चला जाता है यानी ionic characters of the halide decrease in orders. Monovalent element react to halogens member. टू फॉर्म ऑफ द मोनोवायलेंट हाइलाइट्स द मोनोवायलेंट हाइलाइट्स डिक्रीज ऑन एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ओके फॉर एग्जाम्पल एम एफ डिक्रीज टू एम जी सी एल डिक्रीज टू एम जी बी आर डिक्रीज टू एम आई ओके वेयर एम इज ए मोनोवायलेंट मेटल्स मोनोवायलेंट मेटल एज ए एल्कली मेटल फॉर एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रेंसियम एज ए एल्कली मेटल अल्कली मेटल एज ए मोनोवायलेंट एलिमेंट्स आर मेटल्स इट ए मेटल इट्स हैबिटेट मोर देन द वन ऑक्सीडेशन स्टेज The halides in the higher oxidation state. यानी M जो होता है यह represent कर रहा है monovalent atom को यह जो होता है इसका oxidation number जो होता है वन होता है oxidation state वन होता है The halide is a higher oxidation state will be the more covalent. यानी higher oxidation number represent करने वाले जो होते हैं वह more covalent denote करते हैं The one in the lower oxidation state और वे जो है कम oxidation state वाले होते हैं वह lower oxidation state शो करते हैं For example, SnCl4, PbCl4, SbCl5 and UF6 आर द मोर कोवायलेंट यानी यह मोर कोवायलेंट फॉर्मेट करते हैं क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हाई होता है ओके देन एसएनसीएल टू पीबीसीएल टू एसबीसीएल 3 एंड यूएफ4 रिस्पेक्टिवली और जो है कि ये कोवायलेंट जो होते हैं उससे लो होते हैं ओके अगला पॉइंट है आपका रिएक्टिविटी टू हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट हैलोजन फैमिली के मेंबर कहलाते हैं इन मेंबरों को जब अदर हैलोजन मेंबर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह जो है हैलाइड्स कंपाउंड फॉर्मेट करते हैं हैलोजन कॉम्बिनेशन अमंग थेम्स टू फॉर्म ए नंबर ऑफ द कंपाउंड्स नोन एज ए इंटर हैलोजन ऑफ द टाइप्स यानी जो होता है ग्रुप 17 के एलिमेंट जो हैलोजन मेंबर होते हैं हैलोजन मेंबर के जो कॉम्बिनेशन होता है वह जो है वह लोअर्स नंबर के
एलिमेंटों के साथ कंबाइंड होते हैं तो वह जो है हाइलाइट्स कंपाउंड को फॉर्मेट करते हैं और उन्हें जो है इंटर हैलोजन्स ऑफ द टाइप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश थ्री एक्स एक्स डैश फाइव एंड एक्स एक्स डैश सेवन वेयर एक्स इज ए लार्जर साइज हैलोजन एंड एक्स डैश इज ए एक्स डैश इज ए स्मॉल साइज हैलोजन। बात समझ गए? यानी कहने का मतलब यह है कि हैलोजन फैमिली के मेंबर जब अदर हैलोजन फैमिली के मेंबर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह जो है वह हैलोजन्स कंपाउंड फॉर्मेट करते हैं और उन हैलोजन्स कंपाउंडों को इंटर हैलोजन्स कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें जो है हायर एटॉमिक नंबर के हैलोजन्स मेंबर रिएक्ट करता है लोअर साइज के एटॉमिक नंबर के साथ तो वह जो है फॉर्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी आर सी एल एक्स जो है हायर नंबर को डिनोट करेगा एटॉमिक नंबर को और एक्स डैश जो है लोअर साइज एटॉमिक नंबर को डिनोट करेगा। यहां ये आपका हो जाएगा सी एल एफ थ्री सी एल ये बी आर सी एल फाइव एंड आई सी एल सेवन। इस तरह जो है यह वेयर इज ए लार्जर साइज हैलोजन एंड द एक्स डैश इज ए स्मॉल साइज हैलोजन। इस तरह जो है एक्स जो है लार्जर साइज एटॉमिक नंबर को डिनोट करेगा और एक्स डैश जो है वह जो है स्मॉल साइज एटॉमिक नंबर को डिनोट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, इन टॉपिकों में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स टेक द पेन एंड कॉपी राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टूवर्ड्स अदर हैलोजन विथ एग्जाम्पल। स्टूडेंट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड चेक द सुन। ओके थैंक्स।